दोस्तों, मैं हूं बुरहानुद्दीन और स्वागत है आप सभी का AU8 पोर्टल के टेक्निकल हब में। दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज लॉन्च किया था तब उनका एक सिंपल सा प्रोसेस था कि अगर आपको विंडोज यूज करना है तो आप उसके लिए पे करें और जब तक चाहे विंडोज को यूज करें। लेकिन ये ट्रेंड अब जल्द ही बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आप विंडोज XP या विंडोज का नया कोई वर्जन खरीदते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ता है, और अगर आप विंडोज के एक वर्जन से दूसरे वर्जन को अपग्रेड करते हैं तब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट को उसके लिए पे करना पड़ता है, और अगर आप नया लैपटॉप या PC लेते हैं तो उस लैपटॉप के या PC के मैन्युफैक्चरर को माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज के लिए पे करना पड़ता है। और ये चीज सभी कर रहे थे कि तभी एप्पल और गूगल ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और एंड्रॉइड को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसमें यूजर्स को कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, और इसी वजह से यूजर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड्रॉइड और iOS की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे, और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में मोबाइल और टेबलेट स्पेस से माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को फ्री कर दिया। और अगर हम आज के टाइम पे देखें, यानी कि 2016-17 में, तो इसका असर PCs पे भी होने लगा है, क्योंकि लगभग 300 मिलियन यूजर्स जो विंडोज 7 और 8 यूज कर रहे थे उन्होंने फ्री में अपग्रेड किया विंडोज 10 को। अगर हम इस आंकड़े को देखें तो अगर आज के टाइम पे जो जितने लोग विंडोज 10 को यूज कर रहे हैं, ये आंकड़ा उनके आधे से भी ज्यादा है, यानी कि आधे से भी ज्यादा लोग विंडोज 10 को फ्री में यूज कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे शायद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को या विंडोज को फ्री में अपग्रेड कर दे। और लेकिन एक मिनट, अगर हम देखें तो विंडोज को या फिर किसी भी OS को बनाना, किसी भी OS को अपग्रेड करना बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, तो आखिर गूगल और एप्पल पैसा कैसे कमाते होंगे? तो दोस्तों, गूगल और जो अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और एप्पल जो अपना iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, ये दोनों जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फीस है वो इनडायरेक्टली हमसे लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स में की प्राइस में इंक्लूड करके, जैसे एप्पल का मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, और बहुत सारे एप्पल और गूगल के प्रोडक्ट्स, और इनके प्रमोशनल एप्स जैसे कि एप्पल म्यूजिक्स है, फिर गूगल का गूगल ड्राइव है, जैसे कई सारे एप्लीकेशंस और यूजर्स की लोकेशन को पता लगा के, जैसे कि जियो टैगिंग हम यूज करते हैं, उसमें यूजर्स की लोकेशन हम शेयर करते हैं गूगल के साथ, ऐसी तरीकों से अपनी लोकेशन शेयर करके एडवर्टाइजमेंट डाल के एप्पल और गूगल ने अपनी OS की फी ली, और माइक्रोसॉफ्ट भी धीमे धीमे ये टेक्निक्स को यूज कर रहा है। दोस्तों, अब है प्रिडिक्शन टाइम। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 एंटरप्रीनर, यानी कि जो बिजनेस वर्जन है, बिजनेस ओरिएंटेड वर्जन है विंडोज 10 का, वो फ्री नहीं होगा, वो पेड रहेगा, और उसी के साथ विंडोज 10 प्रो भी पेड रहेगा, और शायद कोई चीज फ्री हो सकती है तो वो है विंडोज 10S, जिसमें आप विंडोज स्टोर के बाहर के कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रिडिक्शन विंडोज 10 को फ्री होने के लेके। अगर आपकी कोई प्रिडिक्शन है या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए वीडियो पे कमेंट करके, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।